देखो भाई, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो आज फिर हम जो है कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी का चैप्टर, जो कल बताया था उसका थोड़ा सा एक रीजन कर लेते हैं। जैसे कल मैंने बताया था कि एक डाई है, जब उसको हम जो है रोल करते हैं ये उसको फेंकते हैं तो उसमें कितने आउटकम आते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, कितने हो गए टोटल, ये 6। अब इसी तरह अगर हम एक कॉइन को, यह है कॉइन सिक्के को, जब सिक्के को टॉस करते हैं तो उसमें कितने आते हैं, इसमें बताया था HT, यानी कितने आ गए थे हेड या टेल, कितने आ गए 2। ठीक इसी तरह ये तो था 1 डाई के लिए, अगर हम 2 डाई को करें, कितने को करें 2 डाई को अगर हम रोल करें तो कितने आ जाते हैं इसमें, 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ जाते हैं 36। और अगर हम टू कॉइन को टॉस करें तो इसमें कितने आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं 4। देखो भाई अगर हम 1 डाइन को टॉस कर रहे हैं तो टोटल आउटकम आ रही है 6, 2 को कर रहे हैं 36। इसी तरह अगर हम 1 कॉइन को टॉस करें तो आ रहे हैं 2, अगर 2 कॉइन को टॉस करें तो कितना आ रहे हैं 4। तो इसका एक जनरल फार्मूला है कि कितना होने चाहिए, अगर 3 कॉइन को टॉस करें भाई क्या आ जाएगा, या 3 डाइन या 3 डाई को टॉस करें, या हम इधर कह 3 कॉइन को टॉस करें तो कितने आउटकम आ जाएंगे। देखो भाई एक डाई में कितने होते हैं आउटकम, 6। तो जितने भी आउटकम होते हैं एक डाई में उसकी पावर n लगा दो, किसके लगा दो, 6 की पावर n। ठीक इसी तरह से अगर एक कॉइन में टोटल आउटकम कितनी होती हैं, 2, कितनी करनी है 3, तो क्या आएगा 2 की पावर 3। एक जनरल फार्मूला हो गया ये, 4A डाई, एक डाई के लिए टोटल आउटकम कितनी आ गई, 6, 2 डाई के लिए 6 की पावर 2, कितने आ गया 36, 4 3 के लिए 6 की पावर 3, कितना आ गया 216। इस तरह ही 4 1 कॉइन के लिए, 4 1 कॉइन के लिए 2 की पावर 1, 4 2 कॉइन के लिए आ गई 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 3 के लिए आ गया 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, 2 की पावर 3 कितना आ गया 8। देखो भाई इसका जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, जितने भी आउटकम होते हैं और जितने भी बार उसको वो करते हैं थ्रो करते हैं तो उसकी क्या कर देते हैं, पावर कर देते हैं। जैसे डाई का फॉर्मूला होगा 6 की पावर n, एक के लिए 6 की पावर 1 इक्वल टू 6, 2 के लिए 6 की पावर 2 इक्वल टू 36, 3 के लिए 6 की पावर 3 इक्वल टू 216। इसी तरह कॉइन के लिए, कॉइन में जो मैक्सिमम जो वो होती है किसी कॉइन को टॉस करने पर टोटल इवेंट कितनी आती है, 2। तो जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 1, 2 के लिए 2 की पावर 2, 3 के लिए 2 की पावर 3। तो इसका फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है कॉइन का 2 की पावर n, 4 कॉइन के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n हो गया, 2 की पावर n। और इसके लिए डाई के लिए 6 की पावर n, डाई के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, 6 की पावर n जनरल फॉर्मूला डाइन के लिए, और इसके लिए कॉइन के लिए क्या आ गया, 2 की पावर n। ठीक इसी तरह से एक आज मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन बेस्ड बताऊंगा जो IIT मेन एडवांस में आते हैं, तो जैसे कुछ IV भी हैं
उन्हें क्वेश्चन को मैं आज एग्जाम्पल के बताऊंगा यहाँ बोर्ड पे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है भाई, उतार लो। जैसे क्या है, सिक्स डाई, क्वेश्चन नंबर है सिक्स डाई आर रोल्ड, सिक्स डाई आर रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू बी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू बी सम ऑफ 36। ये क्वेश्चन है कि छह डाई हैं, एक साथ उनको रोल करा जा या फेंका जा, जिस तरह करते हैं लूडो खेलते हैं, तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनका जो सम है, सबका सम क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए, सबका क्या क्या सम आना चाहिए भाई, 36 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो जब हम सिक्स डाई कर रहे हैं तो उसमें जैसे कल बताया था, एक में ही आ सकता है 6-1, एक में जो है 6-3 भी आ सकता है, एक में 3-3 भी आ सकता है, एक में 3-4 इस तरह आ सकता है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि सम, ये तो मैंने बताया था कल, ये एग्जाम्पल बताया था मैंने दो का, ये कितने का बताया था कल मैंने तुम्हें, दो डाई का इस तरह का। अब कितने कितने डाई कर रहे हैं हम, सिक्स डाई कर रहे हैं, सिक्स डाई कर रहे हैं, तो कितने आ जाएंगे सिक्स में, कहीं भी आ सकते हैं भाई, पहले में 6, दूसरे में 5, तीसरे में 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4 ये आ सकता है। तो इसका सम कितना आ गया, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 1 17 और 4 21। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें जो है सम कितना चाहता है, 36। 36 कब सम आएगा, अगर हमारे पास 6 ही डाई है और सम भी 6 ही चाहते हैं, तो हर एक में कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए, कितना चाहिए, 6 6 6 6 6, 2 2 4 5 और 1 6, 6 6 30, यानी हर एक में 6 6 आने चाहिए, हर एक में 6 6। ये कितनी बार आ सकता है भाई, कितनी बार आ सकता है, अगर 6 डाई को हम रोल करते हैं, ये 36 कितनी बार रखता है, कोई बता सकता है भाई कितनी बार रखता है 6 में, ये सिर्फ जब हम करके देखेंगे, अगर इसे एक ही बार है, कितनी बार है ये, एक ही बार आएगा, यानी कि हर एक डाई पे कितने नंबर आता है, 6 6 6, कितनी बार आता है, एक ही बार। तो फेवरेबल आउटकम कितनी आ गई है, एक आ गई, फेवरेबल आउटकम कितनी आ गई है, एक। अच्छा टोटल आउटकम कितनी आ जाएंगे, सबसे पहले है टोटल आउटकम कितनी आएगी, मैंने फॉर्मूला बताया था, जितने भी एक बार के आउटकम है, टोटल आउटकम एक बार की कितनी होती है डाई में, 6 6 ही आउटकम होती है, और कितने डाई है, नंबर ऑफ डाई 6 है, तो फॉर्मूला क्या था, 6 की पावर n, n क्या है, जितने भी डाई को करा जा, तो 6 की पावर क्या आ गया, 6 6 की पावर 6, और फेवरेबल आउटकम कितनी है, फेवरेबल आउटकम कितनी है, 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई भैया, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/6 की पावर 6 ही आ गई, ये आ गई किसी भी चीज़ की, अगर 6 डाई हैं उनका सम जो है 36 आ जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/36 होगी, क्या होगी, 1/6 की पावर 6, क्या होगी, 1/6 की पावर 6 होगी। इतने जितने भी हम जो है पासे डाई को करेंगे, उतने ही उसका फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक भाई। एक सवाल और है, उतार ले भाई, अगर उतार ले तो रब कर दे, ठीक है।
देखो एक क्वेश्चन और है जो आता है, जैसे आया हुआ है। जैसे 1 + 3p / 3 क्वेश्चन है, 1 - p / 4 को मैं 1 - 2p / 3, 1 - 2p / 3 और 1 + 3 / 4 - 2 / 3 ऑफ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ। देखो ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि ये तीन प्रोबेबिलिटी दे रखी है, 1, 2, 3, कौन कौन सी, 1 + 3/3, 1 - p / 4, 1 - 2p / 3, तीन प्रोबेबिलिटी दे रखी। और प्रोबेबिलिटी कैसी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की। तो इसमें p की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है भाई, p की वैल्यू। देखो भाई अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर क्या बताया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि अगर, कल मैंने बताया था, अगर दो कोई इवेंट है ए और बी है, प्रोबेबिलिटी है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसे कहते हैं कि इसमें एक हो और एक ना हो, या इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, इनमें दोनों में इंटर कुछ भी कॉमन ना हो, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इनका इंटरसेक्शन आएगा फाई, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा फाई, इसे क्या बोलते हैं फाई, ये जीरो होता है, जीरो का पेयर्ड पार्ट विद फाई। क्या होता है, अगर दो चीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, उनमें कुछ भी कॉमन हो, तो उनका इंटरसेक्शन क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी।
ठीक है भाई, अगर ये ठीक है भाई, तो जैसे ये है, अच्छा ये प्रॉब्लम, ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, ये कुछ चल नहीं रहा था, अब देखो फिर अटके शुरू हो गया। देखो भाई क्या सवाल था ये, अगर ये 1 + 3 P / 3, 1 - P / 4, 1 - 2 P / 3 आर द प्रोबेबिलिटी हो 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की, तो फाइंड वैल्यू ऑफ पी। ये खुद ही चल गया अभी थोड़ी देर बाद ही, जी खुद ही चल गया, उसे ठीक कर लेना काट वाट। मैं ऑफ करने देखिए आप फिर खुद ही चल गया काट लेना वो जो ही बीच में। हाँ भाई क्या आ गया, वन ये जो है, अगर ये वन पल ये टेक्निकली प्रॉब्लम आ गई थी ये नेटवर्क की, तो इसीलिए बीच में कट गया था ये। ठीक है, जैसे अब है, अगर ये 1 + 3 / P, ये 3 प्रोबेबिलिटी हो और तीनों क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर तीन है तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5, कुछ भी इनके अंदर कॉमन नहीं है, इसको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। अच्छा कल एक और बात बताई थी मैंने, जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ क्या है 0 से 1 के बीच लाई करती है। ठीक इसी तरह मैं इसमें भी यही फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा कि जो ये अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जो इनका सम होगा प्रोबेबिलिटी का तीनों का क्या होगा, वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। जैसे लेकिन फोर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फोर म्यूचुअली, फोर क्या लिखेंगे, फोर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फोर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फोर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या आ जाएगा, ये
वन प्लस थ्री पी अपॉन थ्री प्लस वन माइनस पी अपॉन फोर प्लस वन माइनस टू पी अपॉन थ्री इज लेस देन इक्वल टू वन, इज लेस देन इक्वल टू वन। इनका सबको क्या कर लिया भाई, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले क्या आ गया इनका, एलसीएम ले सबको क्या ले लिया, एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया इनका 12, 3 4 का क्या आ गया 4 1 4 4 12 पी प्लस 3 आ गया यहाँ 3 3 माइनस 3 पी प्लस 4 माइनस 8 पी इज लेस देन इक्वल टू 1, इज लेस देन इक्वल टू 1। तो कितना आ गया 12 पी माइनस 3 पी कितना आ गया 9 पी, 9 पी माइनस 8 पी कितना आ गया पी, ये कितना आ गया 4 और 3 11 7, 7 और 4 11 अपॉन 12 इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है भाई, अच्छा ये कितना ये कुछ क्या गलती कर देंगे, 1 प्लस 3 पी अपॉन 3 1 माइनस पी अपॉन 4 1 माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 12 पी 3 माइनस 3 पी प्लस 4 माइनस 8 पी लेस देन इक्वल टू 12। कितना आ गया ये 12 पी माइनस 3 पी 9 पी, 9 पी में से 8 जाके पी, अच्छा ये फिर ये क्या आ गया भैया पी प्लस, ये क्या आ गया पी प्लस 11 लेस देन 12, ये इनक्वालिटी होती है इक्वल की, इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इधर पी इज लेस देन इधर आ गया 12 माइनस 1 1, पी लेस देन कितना आ गया 1 आ गया ये। ठीक है भाई, और ये आ गया पी लेस देन वन आ गया। और अगर मैं इसको जो है एक और होती है, ये जब तीन इवेंट हैं ये प्रोबेबिलिटी हैं तो इनकी जो है लाई करेगी जीरो से वन के बीच लाई करेगी, किस तरह करेगी, जैसे वन प्लस थ्री पी अपॉन थ्री इज लेस देन इक्वल टू वन, ये भी होगा इसी तरह सेम इसके लिए वन माइनस पी अपॉन फोर इज लेस देन इक्वल टू वन, फिर इसी तरह इसके लिए वन माइनस टू पी अपॉन थ्री लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है भाई, अगर ये तीन प्रोबेबिलिटी अलग अलग हैं, अलग अलग भी तो जो है तीनों क्या होंगी जीरो और एक के बीच लाई होगी। ठीक, इसी तरह से इसके योग क्या आ गया, थ्री दोनों मल्टीप्लिकेशन कर दी क्या आ गया जीरो वन प्लस थ्री पी थ्री, इधर क्या आ गया फोर की करके जीरो इज लेस देन वन माइनस पी इज ग्रेटर देन फोर, इधर क्या आ गया थ्री में जीरो इज ग्रेटर देन वन माइनस टू पी अपॉन थ्री। ठीक, इधर आगे क्या आ गए, अब दोनों में से क्या आ गया माइनस वन घटा दूँ तो क्या आ जाएगा माइनस वन इज लेस देन थ्री पी इज लेस देन टू, अब थ्री से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया माइनस वन अपॉन थ्री लेस देन इक्वल टू पी अपॉन टू अपॉन थ्री। ठीक, इसी तरह से इसमें से माइनस वन दोनों में से माइनस कर दिया तो माइनस वन माइनस पी इज लेस देन थ्री, अब माइनस है तो माइनस की जब मल्टीप्लिकेशन करूंगा इन दोनों में तो क्या हो जाएगा इसका इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है अगर माइनस से, तो क्या आ जाएगा प्लस वन माइनस थ्री
इसी तरह यहाँ से माइनस वन करूंगा दोनों तरफ से, तो क्या आ जाएगा माइनस वन माइनस टू पी इज लेस देन माइनस थ्री, फिर माइनस से दोनों मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस वन इज लेस देन टू पी इज ये इसके रूप इनक्वालिटी को किधर था, ये इधर था लेफ्ट में तो इधर आ जाएगा, इधर था तो ये इधर आ जाएगा, ये थ्री क्या आ जाएगा, ये थ्री टू से डिवाइड करूंगा क्या आ जाएगा वन, ये थ्री आएगा थ्री माइनस वन टू क्या आएगा, ये टू, जब ये थ्री माइनस वन जाएगा ये भी टू आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा इधर आगे क्या जाएगा, ये टू माइनस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो माइनस का हो जाएगा, ये क्या कहें कहें का हो जाएगा प्लस का, ये कहें का हो जाएगा ये तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस का है तो क्या आ जाएगा ये माइनस का, और टू इसे क्या आ जाएगा वन अपॉन टू इज लेस देन पी इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन टू, टू अपॉन टू का मतलब कितना आ गया माइनस के वन, माइनस के वन आ गया। तो अब जो ये है पी की वैल्यू क्या होगी, पी की वैल्यू क्या होगी, अब इसमें है कि पी की वैल्यू होगी क्या, देखो भाई एक तो पी की वैल्यू, ये पी की वैल्यू होगी क्या, ये यहाँ निकालते हैं देखो, अब क्या अगर हमने पी की वैल्यू देखिए जीरो वन के बीच होती है, इनक्वालिटी का रूल होता है भाई ये, अगर हम माइनस साइन के मल्टीप्लिकेशन करते हैं दोनों, ये दोनों लगभग इक्वल जैसी होती है, इक्वल नहीं इक्वल जैसी होती है, अगर हम जब माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दें इसको तो इसकी इनइक्वालिटी का जो है साइन चेंज हो जाता है, जैसे मान लीजिए अगर ये लेफ्ट इस तरह है तो इस तरह राइट में, ग्रेटर है तो लेस, लेस है तो ग्रेटर में हो जाती है, ठीक। अब ये पी की वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी, देखो भाई पी की तीन वैल्यू आ गई है, ये माइनस वन ये लेस है, ये जो है ये इससे भी जो है लेस है, ये ग्रेटर है, ये है, इसी तरह पी की वैल्यू एक है, इसे तो मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है, मान लिया ये कौन सी इक्वेशन है फर्स्ट है, ये क्या मान लिया ये है सेकंड इक्वेशन, ये तीन की वैल्यू क्या है सेकंड इक्वेशन है, इन तीन की वैल्यू ये है ना एक दो तीन, इन तीनों को क्या मान लिया सेकंड इक्वेशन, इनको क्या मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब पी की वैल्यू होगी क्या, पी की वैल्यू होगी क्या, इधर जो पी की वैल्यू मान लेते हैं ये लेस देन होगी, यहाँ मैक्सिमम क्या होगी, पी की वैल्यू कौन सी मैक्सिमम है, पी की वैल्यू कौन सी मैक्सिमम है, बड़ी कौन सी है, इसमें देखो मैं ये तो माइनस वन अपॉन थ्री है, एक क्या है बड़ी माइनस थ्री है, क्या है ये क्या है, इसमें जो है पी की वैल्यू कौन सी बड़ी माइनस वन, तो इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सी है वैल्यू, ये तो माइनस की तो ले नहीं सकते इसमें, क्योंकि पी की वैल्यू जीरो और वन के बीच होती है, पी और पी की वैल्यू क्या होती है जीरो और वन के बीच होती है, तो पी की वैल्यू कौन सी लेंगे इसमें, पी किससे बड़ी है माइनस वन अपॉन थ्री, माइनस वन अपॉन थ्री और क्या है यो अच्छा अच्छा ये जो है ये आएगा ये वाला, ये आएगा ये वाला, ये आएगा, तो यहाँ तो जो P की वैल्यू क्या लिखते हैं मैक्सिमम, यहाँ क्या लिख देते हैं मैक्सिमम, यहाँ क्या लिख देते हैं मिनिमम, यहाँ क्या लिख देते हैं मैक्सिमम लिख देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं मिनिमम, जो भी P की इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लिख देंगे, और जहाँ भी P की वैल्यू क्या होगी मिनिमम होगी वो लिख देंगे, ठीक है भाई। जैसे इसमें जो है P इज लेस देन एक तो वन है, इसमें क्या है टू बाई थ्री है, इसमें क्या है
वन अपॉन टू है, तो इसमें मिनिमम कौन सी है? मिनिमम है इसमें वन अपॉन टू, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी पी की? वन अपॉन टू आ जाएगी। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी इन तीनों में? इसमें 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 और इनमें, चारों फंक्शन देख लेते हैं, इन्हीं टू इक्वेशन में पी की वैल्यू कहाँ मिनिमम है। जहाँ भी मिनिमम वैल्यू होगी वो पी लेते हैं, जो मैक्सिमम होगी, जो मैक्सिमम होगी पी लेते हैं, जो मैक्सिमम जो होगी पी लेस देन मिनिमम होगी, मैक्सिमम पी लेस देन मिनिमम होगी पी इधर की, ये हो जाती है वैल्यू। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है। अगर ये मान लो तीन इनइक्वालिटी दे रखी है, तीन प्रोबेबिलिटी दे रखी है अलग अलग, तो इसको जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का समो लेस देन होना चाहिए, समो लेस देन से फिर अलग अलग करके इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है भाई। अच्छा भाई आगे ए पर्सन, क्वेश्चन नंबर है ए पर्सन थ्रो, ए पर्सन थ्रो टू डाई, ए पर्सन थ्रो टू डाई ए पर्सन थ्रो टू डाई द विन रेस 15, द विंस रेस 15 इफ द गिफ्ट कम डबलेट, ए पर्सन थ्रो टू डाई द विंस रेस इफ द डबलेट if the result is sum 9 then he wins race 12। And loss 6 rupees if any other outcome. On the throw. Then calculated expected gain or loss. Then expected gain or loss
कैलकुलेटर, कैलकु अगर मान लिया सवाल है ये, एक पर्सन ने टू डाई थ्रो करे, अगर 15 आता है, अगर सम कितना आता है, नहीं अगर 15 रुपया जीतता है, जब अगर क्या आता है डबलेट, डबलेट का मतलब होता है जो दोनों में सेम नंबर आता है, दोनों में अगर सेम नंबर आता है तो वो कितने रुपए जीतता है, 15 रुपए जीतता है, और वो कितने रुपए जीतता है, वो जीतता है 6 रुपए जीतता है, कितने रुपए जीतता है वो 6 रुपए जीतता है, अगर उन अगर वो 6 रुपए नहीं अगर वो कितने जीतता है, अगर सम 9 आता है, सम कितना आता है 9 आता है, तो कितने रुपए जीतता है वो 12 रुपए जीतता है, और 6 रुपए हारता है, वो 6 रुपए हारता है अगर उनमें से कोई भी इनसे अलग आता है, इनसे इनसे अलग का मतलब सेम नंबर ना है और सम ऑफ 9 ना है, तो कितना आता है 6 नंबर हरा देता है। तो इसमें जो भी ये कैलकुलेट करना है कि गेन और लॉस का एक्सपेक्टेड कितना होगा, गेन और लॉस का क्या होगा वो एक्सपेक्ट करना है कि इसे उसमें गेन होगा या लॉस होगा। ठीक भाई, समझ में आ गई ये सवाल, ये हटके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सवाल में। देखो भाई क्या है सवाल कि एक आदमी है, एक आदमी ने दो जो है डाइन जो है टॉस करे या फिर फेंके या खेले, जो भी करना जो भी कहना चाहो आप। ठीक, अब उसमें से यूँ कह रहा हूँ कि अगर डबलेट आता है तो 15 रुपए जीतता है, वो 15 रुपए जीतता है अगर उसका क्या आता है डबल आता है, और अगर उनका सम जो है 9 आता है दोनों पे, दोनों को मिला के, तो वो जो क्या करता है वो 12 रुपए जीतता है। इसके अलावा अगर कुछ भी आता है, कोई एनी भी पॉसिबिलिटी होती है, कोई आउटकम आता है, तो 6 रुपए वो जो है हार जाता है, क्या रुपए है। तो इसका जो कैलकुलेट करना एक्सपेक्टेड कि वो गेन होगा या लॉस होगा, गेन होगा लॉस होगा। अच्छा भाई, अगर मान लिया इसका ये डबलेट आता है, क्या आता है भाई इसका, ये क्या आता है इसका, ये अगर इसका ये डबलेट आता है, ये डबल आता है इसका, इसका आता है ये डबल, डबल किस तरह आता है भाई, ये कल भी बताया था मैंने, दो डाइन फोर लिखेंगे, फोर डबलेट किस तरह आ सकता है, दो अगर कॉइन हो या नहीं, दो अगर डाइस हो उन्हें फेंक रहे हैं तो डबल किस तरह आता है, वो डबल किस तरह आता है भाई, एक में क्या आ सकता है 1-1, फिर 2-2, फिर 3-3, फिर 4-4, फिर 5-5, फिर 6-6, क्या आ गए टोटल कितने आ गए, 1-2-3-4-5-6, कितना आ गए 6 आ गए। इसी तरह जाएगा डबल, सेम नंबर, और तो कोई तरीका नहीं हो सकता। अच्छा कितने डाई हैं ये भाई, 2 डाई है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या आ गई, 6 की पावर n यानी 6 की पावर 2, 36। 4 डबल को प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, डबल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसकी, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसकी, 6/36 क्या आ गई, 1/6 आ गई, क्या आ गई, 1/6 आ गई। अच्छा और अगर सम कितना है, सम कितना है भाई, 9 आवे, अगर सम कितना है 9 आवे, तो 11 रुपए क्या कर, 12 रुपए क्या कर देता है वो, विंस करता है, लिखो ना 4 sum of 9 के लिए क्या आ जाएगा, 5 4 4 5 और 6 3 और 3 6, ये आ गए भाई 9, और तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं आई, और भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी 9 बताओ, और भी हो सकती है कोई प्रोबेबिलिटी 9 नहीं, सिर्फ यही कितनी आती है प्रोबेबिलिटी, कितनी आ सकती है, ये 1 2 3 4 कितनी आ सकती है, ये 4/36 या क्या आ गया 1/9 कितनी आ गई, ये आ गई। और अब कितने गए, फॉर एनी अदर आउटकम लिखेंगे फॉर एनी अदर आउटकम
देखो भाई इसमें कितनी आउटकम हो गई, पहले में 6, दूसरे में कितनी आउटकम थी है 4, तो कितनी रिमेनिंग कितनी आउटकम हो गई, टोटल कितनी थी आउटकम 36, और कितनी रह गई कितनी आउटकम 36 माइनस ये 6 और फिर माइनस 4 कितना आ गया 36 माइनस 10 इज इक्वल टू 26 कितने आ गए ये कितने आ गए 36 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आ गई 26 तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है ये इसके लिए प्रोबेबिलिटी थी ऊपर वाले के लिए इसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई है 26 अपॉन 36। अब देखो अब सवाल क्या आ गया मेरा अगर वे डबल आती है डबलेट आता है किसी भी नंबर में तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1 अपॉन 6 और अगर सम ऑफ 9 आता है उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1 अपॉन 9 और अदर अगर नंबर आता है तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी हो गई 26 अपॉन 36 और एक और क्या है अगर डबल आता है तो उसके लिए 15 रुपये जीतता है सम ऑफ 9 आता है तो 12 रुपये जीतता है अगर 6 रुपये कब जीतता है वो जब कोई एन अंदर नंबर आता है तो उनकी तीनों की अलग अलग मुझे प्रोबेबिलिटी दी गई और उसके रुपये दे रखे अब पूछता है कि क्या होगा वो तो लिखेंगे एक्सपेक्टेड क्या आ गया क्या लिखेंगे इसका एक्सपेक्टेड गेन या लॉस एक्सपेक्टेड गेन या लॉस अब इसमें क्या निकाल लेते हैं एक्सपेक्टेड गेन भी निकाल लेंगे या लॉस एक्सपेक्टेड गेन कितना है 15 रुपए के लिए सम डबलेट के लिए कितना है 15 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 6 1 अपॉन 6 प्लस इसके लिए सम ऑफ 9 के लिए क्या आ जाएगा सम ऑफ 9 के लिए 12 मल्टीप्लाई बाई 1/9 फिर इसके लिए क्या आ जाएगा भैया 6 के लिए 6 मल्टीप्लाई 26 अपॉन 36 लेकिन ये माइनस होगा ये ध्यान रखना है प्लस नहीं होगा क्यों होगा क्योंकि इसके लिए जो है लॉस हो रहा है क्या हो रहा है ये लॉस हो रहा है इसके लिए ये दोनों प्लस क्यों है क्योंकि इनके लिए जो है ये गेन हो रहा है ठीक ये कितना आ गया 6, 9 और 36 का एलसीएम ले लेंगे इनका एलसीएम क्या आ गया 36 क्या आ गए 36 6 सिक्स 90 आ गया प्लस 6 15 90 आ गया प्लस 9 4 4 12 4 48 ये माइनस कितना आ गया 6 6 36 कितना आ गया 8 9 4 13 माइनस करके क्या आ गया 6 में से 8 जाके 8 16 में से 8 जाके 8 14 में 13 जाके आगे माइनस के 18 अपॉन 36 माइनस के 18 अपॉन 36 इसको सोल्व कर देंगे फिर क्या आ गया 9 से 9 टू 18 9 4 18 18 18 to the 30 क्या आ गया माइनस के 1/2 आ गया क्या आ गया माइनस के 1/2 आ गया क्या आ गया माइनस के 1/2 कितना आ गया भाई ये माइनस के 1/2 आ गए ठीक तो ये माइनस का आ गया आधा रुपया कितना आ गया माइनस के आधा रुपया कितना आधा रुपया कितना आ गया इनकी लॉस आ गया क्या आ गया ये लॉस आ गया देखो भाई सवाल क्या था ये कि दो डाइक थे
दो टाइम में थे, अगर 15 रुपए जीतता है जब क्या आता है डबलेट आता है, दोनों पे क्या आता है सेम नंबर आता है। ठीक इसी तरह से अगर सम ऑफ 9 आता है तो कितने रुपए जीतता है वो, 12 रुपए जीतता है। अगर वो 6 रुपए हारता है अगर उन पे एनी अदर आता है। तो मैंने क्या करा, पहले ये पता लगा लिया कि जब डबलेट आता है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, जब डबलेट आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, ये 6 है। ठीक, और अगर सम ऑफ 9 कितना आता है तो टोटल नंबर ऑफ कितनी है, ये 4 है। ठीक, अब ये 6 ये हैं और 4 ये हैं, टोटल आउटकम कितनी होती है, दो डाइक को जब हम रोल करते हैं थ्रो करते हैं तो 6 की पावर 2 कितनी होती है, 36। ये बताया था हमने 6 की पावर n यानी 6 की पावर 2 इक्वल टू 36 कितनी होती है, जब दो हम डाई को रोल करते हैं तो कितनी होती है, 6 की पावर n यानी 6 की पावर 2 इक्वल टू 36 में से 36 में से क्या घटा दिया मैंने, ये 6 घटा दिया और ये 4 घटा दी, ये 4 वाली है। ठीक, कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी, कितनी आ गई टोटल इवेंट इसकी आ गई फेवरेबल 26 यानी 26 क्या है कि आ गई एनी अदर आउटकम की। डबलेट की आउटकम कितनी है, 6 है, सम ऑफ 9 की कितनी है, 4 है, वो 4 एनी अदर की कितनी है, 26 है। और देखिए अब मैंने फिर प्रोबेबिलिटी निकाल ली, डबल की प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जैसे 6 अपॉन 36 1 अपॉन 6 ये कितनी आ गया 4 अपॉन 36 क्या आ गया 1 अपॉन 9, इसका कितना आ गया 4 एनी अदर आउटकम का क्या आ गया 26 अपॉन 36। इसे काटना चाहो तो काट लेंगे और आसान पड़ जाएगा, 13 अपॉन 12 आ जाता फिर। और फिर मैंने एक्सपेक्टेड गेन निकाल लिया, एक्सपेक्टेड गेन का मतलब कि उसे लॉस हो रहा है क्या हो रहा है, उसे लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, उसे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है तो गेन हो रहा है तो क्या करेंगे फिर, तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी 15 रुपए की है 1/6 की इसे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसे 1/9 की प्रोबेबिलिटी कितनी की है, ये 12 रुपए की है, इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों क्या कर लेंगे गेन हो रहा, दोनों क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, फिर इसमें जो है एनी अदर एक्सपेक्टेड में 6 रुपए क्या है इसमें लॉस है तो माइनस के इसे 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। ठीक, और दोनों को फिर से सॉल्यूशन करा तो क्या आ गया माइनस के 1/2 का मतलब क्या आ गया कि उसे हमेशा क्या होगा लॉस होगा, इस सवाल में क्या होगा उसे माइनस के 1/2 क्या होगा लॉस होगा। तो इस तरह ये शायद 2022 के एडवांस में पेपर सवाल आया हुआ है, ये बड़ा अच्छा सवाल है, आगे भी समझ में, अगर कोई एनी प्रॉब्लम तो हटके बताऊँ, कोई एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, ठीक है उतार लिया इसको रब कर दूं, आगे क्या है भाई, एडिशन थ्योरम फॉर टू इवेंट, नया टॉपिक है ये, एनी एडिशन थ्योरम फॉर एनी टू इवेंट, दो इवेंट हैं अगर उनका एडिशन हो तो उसमें क्या फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है
और इसमें जो है एक्सपेरिमेंट जो है मान लें रैंडम है, क्या है रैंडम, क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्म होता है। क्या होता है मान लिया दो इवेंट है, क्या क्या इवेंट है, दो इवेंट है, एक इवेंट ए है एक क्या है बी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है पी ए है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है पी बी है। दो इवेंट है एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है पी ए है, इसकी क्या है बी है। एडिशन क्या होता है, एडिशन को बोलते हैं यूनियन, और या पी ए यूनियन बी, इसकी क्या फॉर्म है पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई फॉर्मूले में, अगर ये अगर फोर टू इवेंट, फोर टू इवेंट इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फिर वही बात बताया था मैंने कल, आज कल ही बताई थी, आज भी सुबह म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कहते हैं। दो इवेंट वो होती है अगर उसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो वो क्या होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है। अच्छा उनका एडिशन क्या होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना, कुछ भी कॉमन नहीं होना तो क्या आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, दोनों की प्रायोरिटी कुछ भी नहीं होगा कॉमन होगा तो इस इक्वेशन में रख दूंगा तो क्या आ जाएगा पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस जीरो। ठीक भाई, तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस जीरो आ गया, ये आ गया पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ गया पी ए प्लस पी बी। अगर दो इवेंट हैं और वो रेंडमली हो रही हैं, क्या होती हैं रेंडमली हो रही हैं तो उनका सम क्या हो जाता है पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अगर मान लिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है वही इवेंट पी ए यूनियन बी क्या आ जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस जीरो, तो क्या आ जाएगा पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस के पी बी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई हो तो इसे रब करेंगे तो फॉर्मूले को याद कर लेना है भाई पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक इसी तरह से पी ए यून अगर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक, अच्छा जी अब क्या है, एडिशन फॉर थ्री इवेंट, एडिशन ऑफ थ्री इवेंट, अगर मान लिया ये ए है ये बी है ये सी है, ये तीन इवेंट हैं, कौन कौन सी हैं ए बी सी, इसकी प्रोबेबिलिटी है ए की पी ए, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है मान लिया पी बी, सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है पी सी, तो इनका एडिशन क्या होता है फॉर्मूला पी ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या होता है पी ए यूनियन बी प्लस पी ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या जाता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस
PB intersection P minus P intersection A minus plus PA intersection B intersection C. Yes. क्या आता है ये? अगर मान लिया तीन इवेंट हो, तीन इवेंट होती है तो उनका फॉर्मूला क्या आता है? पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस इंटरसेक्शन सी. अच्छा, ये हो जाता है फॉर्मूला. अगर तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, अगर तीनों इवेंट कैसी हो भैया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अगर तीनों इवेंट क्या होती है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. इफ इफ थ्री इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अगर तीनों इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या आ जाएगा भैया? पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरो. पी बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू जीरो. पी सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू जीरो. और पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये भी क्या आएगा? जीरो आएगा. इन तीनों कुछ भी कॉमन ना हो तो तीनों क्या आ जाएंगे? ए पी ए इंटरसेक्शन बी भी जीरो, पी बी इंटरसेक्शन सी भी जीरो, पी सी इंटरसेक्शन भी जीरो, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. जब इन दोनों में ही कुछ कॉमन नहीं है तो तीसरे तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो गया भाई. अब इनकी सबकी वैल्यू इसमें रख दूंगा मैं, जो ये फार्मूला है. तो क्या आ जाएगा? ये पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस क्या आ जाएगा? ये पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? जीरो. माइनस की जीरो. पी बी इंटरसेक्शन की सी की वैल्यू कितनी है? ये भी जीरो है. पी सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू कितनी है? ये भी जीरो है. और इसकी वैल्यू कितनी है? प्लस जीरो. तो जीरो को प्लस या माइनस किसी नंबर से करके क्या सेम नंबर रहता है. जीरो की क्या है? जीरो इफ जीरो बी एडेड ऑफ एनी नंबर और सब्ट्रैक्टेड द नंबर विल बी सेम. तो क्या आ गया? पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या आ गया? पी ए प्लस पी बी प्लस पी. ये आ गया फॉर्मूला. अगर तीन इवेंट हो, रेंडमली एक्सपेरिमेंट हो कोई, तो इन तीनों का सम क्या होता है? पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी. ठीक. अगर पी ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना हो तो क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो. पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है भाई, क्लियर और नॉट? ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़े भाई, इसको रब कर दूं. ठीक है.
कल जो है कुछ इन पे जो आईआईटी मेन जो क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं सारे आते हैं इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो इसको जो है कल जो है सोल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन इन फॉर्मूले बेस पे। जैसे आज अब है नया टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है भैया? देखो भाई, मान लिया दो प्रोबेबिलिटी है, एक तो पी ए है, एक क्या है पी बी है, दो प्रोबेबिलिटी है ये। अब दो यानी एक इवेंट है, दो इवेंट थी, एक ए थी एक बी थी, एक ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी ए है, एक क्या है पी बी है, पी बी ए की तो पी ए हो गई, बी की क्या हो गई प्रोबेबिलिटी पी बी हो गई। ये कैसी इवेंट है कि अगर मान लिया दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं, दोनों क्या है डिपेंड है, ए जब ही अकर होगी, जब ही होगी अगर बी पहले से हो गई हो, तो इस तरह की जो इवेंट होती है उसे कहते हैं कंडीशनली प्रोबेबिलिटी। कंडीशनली प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, किसी कंडीशन के साथ, किसी क्या कंडीशन है, मान लिया ए जब ही होगी अगर पहले बी हो गई होगी, रेंडम है कि किसी तरह जैसे पोताश के पत्ते खींच लिए, दो खींच लिए या दो बार से डाइक कर दी, यानी कि ये कब होगी, ये पी ए जब भी होगी, जब क्या होगी पी भी होगी, पहले पी भी हो चुकी होगी, तो इसे क्या कहते हैं कंडीशनली प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई, कंडीशनली प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे और इसको डेनोटेट कहते हैं पी ए अपॉन बी, पी अपॉन ये पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आउटकम ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी आउटकम ऑफ ए इफ बी हैव ऑलरेडी हैपन, ऑलरेडी हैपन, ऑलरेडी हैपन एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। पी बी क्या होनी चाहिए, जीरो ना होनी चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, और एक इसी सेम इस तरह क्या कि पी बी अपॉन ए ये भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम प्रोबेबिलिटी आउटकम ऑफ अ प्रोबेबिलिटी आउटकम ऑफ बी, ऑफ बी इफ ए हैज, ए हैज ऑलरेडी हैपन, ऑलरेडी हैपन, यानी पी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि जो जो पी ए अपॉन बी है वो प्रायोरिटी है कि ए की प्रायोरिटी है अगर बी पहले से ही हो चुकी होगी, पी बी अपॉन ए क्या है वो प्रायोरिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कहें कि ऑफ इवेंट बी की, बी के आउटकम की अगर क्या होगा ए पहले हो चुकी होगी, शर्त है इसके लिए पी ए अपॉन बी, यानी जो पहले हो चुकी होगी, जो पहले हो गई हो क्या प्रायोरिटी, वो मस्ट बी नॉट बी, शुड नॉट बी जीरो होनी चाहिए, जिसमें पहले, इसमें पहले क्या हो चुकी, कौन सी इवेंट हो चुकी बी की, तो पी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसमें क्या है इसमें, इसमें कौन सी प्रोबेबिलिटी हो चुकी पहले ए, तो पी ए नॉट इक्वल टू जीरो, सच दैट टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड टू द कंडीशनली प्रोबेबिलिटी। इस तरह ही प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं, कंडीशनली प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बात समझो भाई, ये हो गया। अब है इसकी थ्योरम होती है, अभी क्या है थ्योरम है, क्या थ्योरम है भाई,
ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या आ जाता है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी ए पी बी अपॉन ए, पी बी अपॉन ए इफ पी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसके लिए शर्त है पी ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए पी बी नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर यहाँ पे पी ए प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो क्या आ जाता है, ये पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू अपॉन पी बी अपॉन ए। देखो मल्टीप्लिकेशन जैसे इस जैसे पहले मैंने अभी क्या बताया था, दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताई थी उनकी सम ऑफ एडिशन की सम ऑफ, अब ये दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी है कंडीशनल के साथ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या, पी ए पी बी अपोन ए, पी बी अपोन ए। फिर वही बात है जो कहता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ आउटकम बी इफ ए इज ऑलरेडी हैपन्ड, अगर ए जो है पहली हो चुकी हो, यानी कि पी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, पी ए नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड टू द पी बी अपॉन ए। तो फॉर्मूला क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए किसी इवेंट की आउटकम पी ए प्रोबेबिलिटी और फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर अगर मुझे यहाँ से पी ए निकालना हो तो रूल ट्रांसपोजिशन के नीचे आ जाएगा पी क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन पी बी अपॉन ए, पी बी अपॉन क्या आ जाएगा, यह ए आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक। और अगर मुझे यहाँ से पी बी अपॉन ए भी निकालना हो, क्या निकालना हो, पी बी अपॉन ए, पी बी पी बी पी बी अपॉन ए, पी बी अपॉन ए निकालना हो, ये वाली ये निकालना मुझे पी बी अपॉन ए निकालना हो, तो क्या आ जाएगा भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या आ जाएगा, ये अपॉन पी ए अपॉन पी ए, ये होती है ये होती है, ये तीन फार्मूले हैं, ये इसी से ये तो फिर जनरेट हुए हैं। मेन फार्मूला क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का, पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए पी बी अपॉन ए, और पी बी अपॉन ए वही है जे प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम ऑफ एलिमेंट बी इफ ऑलरेडी इट हैपन्ड। जिस तरह अभी मैंने जैसे यूनियन का भी फार्मूला क्या बताया था, अभी तुम्हें यूनियन का फार्मूला बताया था मैंने, पी ए यूनियन बी का क्या फार्मूला बताया था, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ से भी पी ए इंटरसेक्शन बी निकल सकता है, किस तरह निकल सकता है पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको इधर लिया इसको इधर लिया, क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक, तो ये जो है पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह एक ये फॉर्मूला हो गया, ये दो फॉर्मूले हो गए पी ए, ये क्या क्या है, एडिशन सम ऑफ दो इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर कहें मैं एडिशन, ये कहे का फार्मूला है, ये मल्टीप्लिकेशन क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए पी बी अपॉन ए, ये कंडीशन ये है कंडीशन प्रोबेबिलिटी के अंड का फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा, और भाई अब कोई यानी प्रॉब्लम है भाई, कोई यानी प्रॉब्लम किसी भी तरह की कुछ भी, रब कर दो भाई को,
कुछ समझ में आ रहा भाई, कुछ पूछना हो आज और कल में प्रोडक्टिविटी में कोई एनी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरह की कोई क्वारी हो, किसी भी एनी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, वो हाथ खड़े करके पूछ सकता है। ठीक है भाई, कोई भी वहीं टोक देना जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी स्टूडेंट को, कुछ भी परेशानी हो तो वहाँ क्या है वही क्या है पूछ लेना। ठीक है भाई, बगैर किसी झिझक के। ठीक है, आप जो है यहाँ पर पढ़ने आते हैं, कुछ सीखने के लिए आते हैं। ठीक है भाई, अच्छा ठीक। अच्छा कल मैंने बताया था किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी पी, ये क्या बताया था मैंने, पी डैश ई, ये क्या बताई थी मैंने किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपन, ये कोई इवेंट है उसकी, और ये क्या है नॉट हैपन, इन दोनों में रिलेशन क्या था भाई, बता सकता है कोई, याद है किसके, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी के इवेंट की होने और ना होने की, हैपन एंड नॉट हैपन के बीच क्या फॉर्मूला था, कल इनका दोनों का क्या था वन है, क्या बताया था वन। ठीक, अब जैसे एक क्वेश्चन है छोटा सा, इफ इन अ कार्ड, इन ए कार्ड द प्रोबेबिलिटी टू बी कम अ किंग इज वन अपॉन फोर, लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट कम टू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नॉट कम टू आ की। देखो इसमें वेल शफल्ड ये माना जाता है, अगर मैंने कहानी तो वेल शफल्ड है ये कार्ड, ये कार्ड क्या है वेल्च फल्ड, तो ये मिले हुए हैं वेल्च फल्ड है ये, तो यानी कि एक कोई कार्ड है उसके अंदर एक बादशाह के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वन अपॉन फोर है, कितनी है वन अपॉन फोर है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बादशाह कोई ना आए, बादशाह कोई भी ना आए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई इसकी बादशाह कोई भी ना आए। अभी मैंने बताया था फॉर्मूला पी ई, तो किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी इवेंट होने की पी और ना होने की पी डैश ई, इन दोनों का सम क्या आता है वन, पी ई प्लस पी ई डैश ई इक्वल टू क्या आता है वन आता है। पी ई की वैल्यू कितनी रख दूंगा भाई मैं, पी की वैल्यू कितनी रख दूंगा मैं, पी की वैल्यू यहाँ क्या रख दूंगा, वन अपॉन फोर प्लस पी डैश ई इक्वल टू वन, तो यहाँ से पी डैश ई इक्वल टू रूल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से इधर आ गया क्या, वन माइनस वन अपॉन फोर, फोर वन द फोर थ्री अपॉन फोर, तो पी डैश ई इक्वल टू कितना आ गया थ्री अपॉन फोर। इसे चेक करना है कि आंसर मेरा ठीक है नहीं है, थ्री अपॉन फोर और वन अपॉन फोर का क्या आना चाहिए, सम कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, देखो थ्री अपॉन फोर प्लस वन अपॉन फोर इक्वल टू क्या आ गया फोर अपॉन फोर इक्वल टू वन अपॉन फोर, क्या ये वन अपॉन फोर। अच्छा तुमने देखा होगा भाई ये जो कुछ यह बात समझ आ गई भाई, इसको रब कर दूं, देखो भाई अब तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ मान लीजिए, जिस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ चार क्वेश्चन होते हैं, ये एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन होते हैं ए बी सी डी, टिक आउट द करेक्ट आंसर, इनमें से चार में से एक आंसर ठीक होता है। अब कोई बच्चा मान लिया पढ़ा नहीं है, उसने क्या करा, अब उसने नाम लिया अगजय राम जी की या कुछ भी, जो ऊपर वाले का नाम लेना हो ये आंख करके यू मार दे यहाँ पेन, इस तरह नहीं होता,
अगर इस तरह होता तो सभी बच्चे पास हो जाते, तो इस तरह हमेशा चांस रहती है, कितने परसेंट चांस होते हैं कि वो क्वेश्चन गलत ही होगा, कितना क्वेश्चन गलत ही होगा। देखो भाई, देखो कितने कितने ऑप्शन है, ये चार, कितने ऑप्शन है ये चार, तो टोटल आउटकम कितनी है चार, कितने आउटकम है टोटल, कितने का आउटकम एक, चार में से कितने क्वेश्चन के जो ये आंसर दे रखे हैं कितने सही हैं, सिर्फ कितना सही है, ओनली एक सही है, कितना सही है भाई, ओनली एक, ये सही है, वन अपॉन फोर, तो वन अपॉन फोर तो कितने परसेंट हो गया ये, ट्वेंटी फाइव परसेंट हो गया। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से अगर एक ऑप्शन सही है तो उसकी कितने परसेंट ठीक होने के चांस हो गए, 75 करेक्ट, और इनकरेक्ट कितने हो गए, इनकरेक्ट के कितने हो गए भाई, 100 माइनस 25 कितना आ गया, ये 75%, तो कितना आ गया जो ये तुक्के से 75%, यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या होगा, गलती होगा, चांसेस है कि जो ये तुक्का मारते हैं हम उससे 75% किया होगा, कभी भी इसलिए नेगेटिव मार्किंग में ये तुक्का ना मारना चाहिए, कि वैसे जो जो आता है बिल्कुल सही वही उस पर ध्यान देना चाहिए, वही करने चाहिए, हमेशा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी देखा तुमने हमेशा क्या होता है वो, अगर आप गलत कर रहे हो, गलत सवाल को चूज कर रहे हो, जो नहीं आता है उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव मार्किंग में उसके नंबर कट जाते हैं, क्योंकि चांसेस ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन विल बी 75%, ठीक है, तो जो बिल्कुल सही आता है वो ही हमें जो है करना चाहिए, ठीक है भाई, और एनी प्रॉब्लम भाई, तो कल हम जो है इसके नया आगे प्रायोरिटी का नया चैप्टर शुरू, नया जो है टॉपिक शुरू करेंगे, कि जैसे और भी जितने भी आईआईटी मेन में जो क्वेश्चन आए हैं वही तुम भी पढ़ के आना भाई, कोई अगर किसी को प्रॉब्लम लगे तो पूछ लेना, और जो है मेन मेन जो क्वेश्चन है वो भी मैं कल बोर्ड पे करूँगा, ठीक है भाई, थैंक्स।